नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे। आज चर्चा का विषय है कंडीशनल्स और रिकर्शन। उपयोगी प्रोग्राम्स लिखने के लिए हमें लगभग हमेशा कुछ कंडीशंस को चेक करने की और अकॉर्डिंगली प्रोग्राम्स के बिहेवियर को बदलने की क्षमता की आवश्यकता होती है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स यह क्षमता देते हैं। सबसे आसान इफ कंडीशनल स्टेटमेंट है, जिसे स्क्रीन पर दिखाया गया है। पहली लाइन में पैरेंथेसिस के अंदर के एक्सप्रेशन को कंडीशन कहा जाता है। अगर यह कंडीशन ट्रू होती है तो ही ब्रैकेट्स के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी नहीं होता। कंडीशन स्क्रीन पर दिखाए गए किसी भी कंपैरिजन ऑपरेटर को इस्तेमाल करके लिखी जा सकती है। यद्यपि ये सभी ऑपरेशंस से शायद आप पहले से ही परिचित हैं, लेकिन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स मैथमेटिकल सिंबल्स से कुछ भिन्न होते हैं, जैसे कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर्स। इसके अलावा कई बार हम कंपैरिजन ऑपरेटर के बदले असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके कारण कंपाइलेशन के समय एरर आता है या जैसे उत्तर की अपेक्षा की गई थी वह उत्तर नहीं आता, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और इक्वल टू मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं, उसे सी में डबल इक्वल टू की तरह लिखा जाता है। इसके अलावा सी में यह दो ऑपरेटर भी नहीं होते हैं। कंडीशन ऑपरेटर की दोनों तरफ एक ही तरह के वेरिएबल्स होने चाहिए। अगर आप इंटीजर की तुलना इंटीजर और डबल्स की तुलना डबल से करते हैं तभी यह काम करेगा। स्ट्रिंग की तुलना करने के लिए एक विशेष तरीका है, जिसकी चर्चा हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। अब बात करते हैं मॉडुलस ऑपरेटर की। मॉडुलस ऑपरेटर इंटीजर्स और इंटीजर एक्सप्रेशन पर काम करता है। इस ऑपरेटर का दो ऑपरेंड के बीच में इस्तेमाल होता है तथा इसके इस्तेमाल करने पर पहले ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है उसको प्रदर्शित करता है। इसे परसेंटेज चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। इसका सिंटैक्स बिल्कुल अन ऑपरेटर के समान ही है। आइए अब एक उदाहरण के द्वारा डिवाइड और मॉड्यूलस ऑपरेटर के बीच में अंतर को समझें। पहला ऑपरेटर इंटीजर डिवीजन है तथा इसको इस्तेमाल करने पर आंसर 2 आएगा। दूसरा ऑपरेटर जो कि मॉडुलस ऑपरेटर है, जिसको इस्तेमाल करने पर आंसर 1 आएगा, क्योंकि 7 को 3 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर होता है। मॉडुलस ऑपरेटर कई मामलों में आश्चर्यजनक रूप से उपयोगी साबित होता है। उदाहरण के लिए इसको इस्तेमाल करके आप जांच सकते हैं कि एक नंबर दूसरे द्वारा विभाजित है कि नहीं। यदि x मॉडुलस y 0 है तो x y द्वारा विभाजित है। कंडीशनल एग्जीक्यूशन का दूसरा फॉर्म है अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन, जिसमें दो संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज होती हैं और कंडीशन यह निर्धारित करती है कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसका सिंटैक्स इस प्रकार है। इस कोड को देखने से पता चलता है कि पहली लाइन में जो स्टेटमेंट है उसमें x और 2 के बीच में मॉडुलस ऑपरेटर है। x को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आता है, जो कि यह दर्शाता है कि x एक इवन नंबर है, तो दूसरी लाइन का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा जो कि x इज इवन प्रिंट कर देगा। अगर यह कंडीशन फॉल्स है, यानी x को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं होता है, तो तीसरी लाइन में लिखे गए एल्स स्टेटमेंट के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है जो कि x इज ऑड प्रिंट कर देगा। क्योंकि कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स, दोनों स्थितियां एक साथ नहीं हो सकती, अतः या तो प्रिंट x इज इवन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या प्रिंट x इज ऑड, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यदि आपको लगता है कि आप अक्सर संख्याओं की समानता या पैरिटी की जांच करना चाहते हैं, जैसे कि इवननेस या ऑडनेस, तो आप इस कोड को एक फंक्शन में रैप कर सकते हैं। अब आपके पास प्रिंट पैरिटी नाम का एक फंक्शन है, जो आपके द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले किसी भी इंटीजर के लिए एक उचित संदेश प्रदर्शित करेगा। मेन फंक्शन में आप इस
फंक्शन को निम्न अनुसार कॉल करेंगे। हमेशा याद रखें कि जब आप कोई फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए आर्ग्यूमेंट्स के टाइप को डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। सी लैंग्वेज खुद पता लगा सकती है कि वे किस टाइप के हैं, अतः सी में यह कोड अमान्य होगा। कभी कभी आप कई रिलेटेड कंडीशंस को चेक करना चाहते हैं और कई एक्शन में से एक को चुनना चाहते हैं, ऐसा आप इफ और एल्स की एक सीरीज को यूज करके कर सकते हैं। ये चेन आप जितना चाहें उतना एक्सटेंड हो सकती है। उन्हें पढ़ने में आसान बनाने का एक तरीका स्टैंडर्ड इंडेंशन का उपयोग करना है, जैसा कि इन उदाहरण में प्रदर्शित किया गया है। यदि आप सभी स्टेटमेंट्स को ब्रेसेस का इस्तेमाल करके स्टैंडर्ड इंडेंशन का पालन करेंगे तो आपके प्रोग्रामिंग के दौरान सिंटैक्स एरर की संभावना कम होती है, और यदि आप सिंटैक्स एरर करते भी हैं तो उन्हें अधिक तेजी से ढूंढ सकते हैं। चेनिंग के अलावा आप एक फंक्शन के भीतर दूसरे फंक्शन की नेस्टिंग भी कर सकते हैं। हम पिछले उदाहरण की नेस्टिंग करें तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। इस प्रोग्राम को अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि आउटर कंडीशनल में दो ब्रेसेस हैं। पहले ब्रांच में एक सिंपल आउटपुट स्टेटमेंट है, लेकिन दूसरी ब्रांच में एक और इफ स्टेटमेंट है जिसमें अपनी दो ब्रांचेस हैं। इन दोनों ही ब्रांचेस में आउटपुट स्टेटमेंट है, हालांकि वे कंडीशनल स्टेटमेंट भी हो सकते थे। वैसे तो इंडेंशन को देखकर प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझने में आसानी होती है, लेकिन फिर भी नेस्टेड कंडीशनल्स को समझने में थोड़ा कठिनाई होती है, अतः अगर संभव हो तो नेस्टेड कंडीशंस से बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट की। रिटर्न स्टेटमेंट आपको प्रोग्राम के एंड तक पहुंचने से पहले फंक्शन के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करने की क्षमता प्रदान करते हैं। प्रोग्राम में एरर कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोग्राम में प्रिंट लॉगरिथम नाम का फंक्शन को डिफाइन किया गया है जो पैरामीटर के रूप में डबल टाइप की एक वेरिएबल को एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले यह प्रोग्राम यह चेक करता है कि क्या एक्स की वैल्यू 0 या उससे कम है। अगर ऐसा है तो यह प्रोग्राम एक एरर मैसेज डिस्प्ले करता है और रिटर्न के मदद से फंक्शन से एग्जिट कर लेता है। ऐसा करते ही प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन वापस उसी जगह पर चला जाता है जहां पर यह फंक्शन को कॉल किया गया था। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद के फंक्शन के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते। अब हम बात करते हैं रिकर्शन की। पिछले लेक्चर में हमने जाना कि एक फंक्शन द्वारा दूसरे फंक्शन को भी कॉल किया जा सकता है, और हमने इसके कई उदाहरण देखे हैं। इसके अतिरिक्त एक फंक्शन खुद को भी कॉल कर सकता है। प्रोग्रामिंग के इस फीचर के द्वारा हम कई दिलचस्प चीजों को अंजाम दे सकते हैं। उदाहरण के लिए इस फंक्शन को देखें। इस फंक्शन का नाम काउंटडाउन है और सिंगल इंटीजर को पैरामीटर के रूप में एक्सेप्ट करता है। अगर पैरामीटर 0 है तो इस फंक्शन का आउटपुट स्क्रीन में ब्लास्ट ऑफ प्रिंट कर देता है। अन्यथा यह प्रोग्राम पहले जो पैरामीटर पास किया गया था उसे प्रिंट करता है, फिर पास किए गए पैरामीटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है। उसके बाद यह फंक्शन खुद को कॉल करता है तथा डिक्रीमेंट की गई वैल्यू n-1 को इस फंक्शन के आर्गुमेंट के रूप में एक्सेप्ट करता है। क्या हो अगर स्क्रीन में दिखाए गए फंक्शन को कॉल किया जाए? काउंट ऑन फंक्शन का एग्जीक्यूशन n=3 के साथ शुरू होता है, और चूंकि n की वैल्यू 0 नहीं है, यह वैल्यू 3 को आउटपुट करता है और फिर स्वयं को कॉल करता है। इसके पश्चात काउंट ऑन फंक्शन का एग्जीक्यूशन n=2 से शुरू होता है। क्योंकि n की वैल्यू भी 0 नहीं है, इसलिए आउटपुट स्क्रीन पर 2 प्रिंट होता है और उसके पश्चात फंक्शन खुद को कॉल करता है। इसके बाद काउंटडाउन फंक्शन का एग्जीक्यूशन n=1 से शुरू होता है। क्योंकि n की वैल्यू फिर से 0 नहीं है, इसलिए आउटपुट स्क्रीन पर 1 प्रिंट करता है और उसके पश्चात फंक्शन खुद को कॉल करता है। अब काउंटडाउन फंक्शन का एग्जीक्यूशन n=0 से शुरू होता है, और चूंकि n की वैल्यू 0 है, यह ब्लास्ट ऑफ शब्द आउटपुट करता है और फिर लौटता है। स्क्रीन का आउटपुट कुछ इस प्रकार होगा। आइए एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से रिकर्शन का एक और उपयोग जानते हैं। प्रिंट न्यू लाइन फंक्शन और प्रिंट थ्री लाइन फंक्शन को फिर से देखिए। यद्यपि ये फंक्शन भी काम करेगा,
लेकिन अगर हम दो न्यू लाइन या 106 न्यू लाइन प्रिंट करना चाहें तो इस कोड का उपयोग करना बेहतर विकल्प होगा। यह प्रोग्राम काउंटडाउन प्रोग्राम के जैसा ही है। जब तक n की वैल्यू 0 से अधिक है, यह प्रोग्राम एक न्यू लाइन जनरेट करता रहता है। इसके पश्चात फंक्शन खुद को कॉल करता है और n-1 को आर्गुमेंट लेते हुए फिर से न्यू लाइन जनरेट करता है। इस प्रकार प्रोग्राम द्वारा जनरेट की गई न्यू लाइन की संख्या 1 + n-1 है, जो कि लगभग n के बराबर है। फंक्शन की खुद को कॉल करने की प्रक्रिया को रिकर्शन कहा जाता है और ऐसे फंक्शंस को रिकर्सिव फंक्शन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट रिकर्शन की। पिछले यूनिट के एग्जाम्पल में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल किया जाता है तो आर्गुमेंट की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाती है और तब अंत में जाकर 0 हो जाती है। जब फंक्शन आगे कोई भी रिकर्सिव कॉल किए बिना पूरा हो जाता है, इसे बेस केस कहा जाता है। यदि कोई रिकर्शन कभी भी बेस केस तक नहीं पहुंचता है तो यह फंक्शन हमेशा के लिए रिकर्सिव कॉल्स करता रहेगा और कभी टर्मिनेट नहीं होगा। इसको इनफाइनाइट रिकर्शन कहा जाता है और इसका उपयोग आमतौर पर एक अच्छा विचार नहीं माना जाता। अब हम बात करते हैं स्टैक डायग्राम्स फॉर रिकर्सिव फंक्शंस की। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन कॉल के दौरान किसी प्रोग्राम की स्थिति को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैक डायग्राम का उपयोग किया था। उसी प्रकार का डायग्राम एक रिकर्सिव फंक्शन को इंटरप्रेट करना आसान बना सकता है। याद रखें कि हर बार जब एक फंक्शन कॉल किया जाता है, यह एक नया इंस्टांस क्रिएट करता है जिसमें फंक्शन के लोकल वेरिएबल और पैरामीटर्स होते हैं। यह फिगर काउंटडाउन फंक्शन के लिए एक स्टैक डायग्राम को प्रदर्शित करता है जिसमें n की वैल्यू 3 है। इसमें मेन फंक्शन का 1 और काउंटडाउन फंक्शन के 4 इंस्टांसेस हैं। प्रत्येक इंस्टांस में पैरामीटर की वैल्यू अलग है। इस स्टैक के बॉटम में जहां काउंटडाउन फंक्शन की n = 0 वैल्यू प्रदर्शित किया गया है, वह बेस केस है। इसके बाद यह फंक्शन रिकर्सिव कॉल नहीं करता, इसलिए इसके बाद काउंटडाउन फंक्शन की कोई इंस्टांस नहीं है। मेन का इंस्टांस खाली है क्योंकि मेन फंक्शन में कोई पैरामीटर्स या लोकल वेरिएबल्स नहीं है। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे फ्रूटफुल फंक्शन की, यानी जो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। धन्यवाद।